जी मेरे साथ इस वक्त जो पर्सनालिटी मौजूद है, मैं उनसे यही कह रही थी कि मैं आपका इंटरव्यू लेते हुए नर्वस हो रही हूँ। मैंने इतने सारे लोगों के इंटरव्यू लिए, लेकिन क्योंकि जब आपका कोई टीचर आपके सामने बैठा होता है, वो एक स्टूडेंट एक रिस्पेक्ट और एक वो वाली चीज़ अलग होती है। सो थोड़ी सी नर्वस हूँ मैं, और मैं उनके बारे में बताती चलूँ कि उनको 20 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं। वैसे तो बचपन से ही उन्होंने उनके अंदर ये शौक़ था, और आहिस्ता आहिस्ता ये टैलेंट वो निखारते गए एज डिज़ाइनर। 20 साल पहले वो आए इस फील्ड में, और उसके बाद एक दो साल बाद टीचिंग की फील्ड भी उन्होंने अपना ली। बड़ा मुश्किल होता है जो इल्म आपको आता है वो दूसरों तक इंड्यूस करना, उसको आगे पास ऑन करना। खुद तो डिज़ाइनर हैं, लेकिन ना जाने और कितने डिज़ाइनर्स उन्होंने बनाए हैं अपने टीचिंग के स्किल्स के थ्रू। सो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड डिज़ाइनर, टैलेंटेड टीचर, मेरे टीचर अदनान परदेसी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको ऑन एयर शुक्रिया अदा करूँगी कि माशाल्लाह आपके अंदर जो टैलेंट है टीचिंग का, वो हर डिज़ाइनर के अंदर नहीं होता। इतने अच्छे से चीज़ों को समझाना, हलवा बना के बिल्कुल पेश करना। Actually, thank you very much, but it's very easy. ऐसा कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि आपका थोड़ा सा एप्टीट्यूड होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जो है हर चीज़ का जैसे एक तरीका है कि यू नो आपने किस तरह उसको अप्रोच करना है, बस उसको सिंप्लीफाई करना है, समझना है, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, जब मैं आपके कपड़े देखती हूँ तो मुझे एक चीज़ उन कपड़ों में नज़र आती है, हर डिज़ाइनर का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। आपके कपड़े बड़े मुश्किल कपड़े हैं, मतलब कोई कॉपी करना आसान नहीं है उसको। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको देखना पड़ता है बारीकियां और छोटी छोटी चीज़ों को का ख्याल रखा गया है। अगर आप जो मैंने जोड़ा पहना है, मैं उसको देख रही थी जी। तो मैं कह रही थी यार ये कितना मुश्किल है, मतलब एक एक चीज़ इसकी अब मतलब ज़ाहिर है थोड़ा बहुत अब नॉलेज मुझे ज़रा सी इतनी सी, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रही थी कि इतनी ज़्यादा डेप्थ और हर चीज़ पर इतना फोकस है। सो आप इतनी मुश्किल चीज़ें क्यों करते हैं? मैं मुश्किल चीज़ें नहीं करता हूँ, शायद लोगों के लिए मुश्किल हो, बट यू नो क्योंकि मेरी ये प्रैक्टिस है। हाँ। तो ओवर द इयर्स जो है मैं मेरे लिए आसान है थोड़ा उसको करना, एग्जीक्यूट करना, बट हर डिज़ाइनर का या यू नो हर क्रिएटिव अपना एक जो ना स्टाइल होता है। मुझे शुरू से नो मैं एक डिटेल ओरिएंटेड इस तरह का मुझे चीज़ें पसंद थी, तो उसी को ही फिर मैंने अप्रोच किया। लकीली मैंने जब शुरू किया तो इतना लोग ये करते नहीं थे, और मुझे मेंटोर की सूरत में रिजवान बेग, उमर सईद जैसे लोग मिले, तो फिर वो भी बड़े मुश्किल किस्म के लोग हैं, तो शायद इसी वजह से उनके साथ एक अच्छी, लेकिन वही सीखा। जैसे मेरा एम्ब्रॉयडरी में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो दैट वाज समथिंग मैंने रिजवान की चीज़ें देखी, उमर भाई से सीखा, तो इस तरीके से फिर अपने जो कंस्ट्रक्शन का मेरा गारमेंट बनाने का तरीका है और जिस किस्म की डिटेल्स मुझे पसंद है उनको कंबाइन करना, तो इट्स ये एक जर्नी रही है। आई मीन यू नो बट ये है कि अच्छा अदनान परदेसी सिग्नेचर स्टाइल क्या है? जैसे अगर कोई दुल्हन आपके पास आती है, दूल्हा आता है, सो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है इसे, क्यों अदनान? देखिए मेरा तरीका ये है कि मैं जो है ऑब्वियसली मेरी एम्ब्रॉयडरीज आपको जो है ना बहुत ही इंट्रिकेट मिलेंगी, उसमें आपको फैब्रिकेशन की भी कुछ डिटेल होगी, वीविंग होगी कुछ, इसी तरीके से कुछ ना कुछ कटवर्क होगा, इस तरह की फैब्रिक मैनिपुलेशन की टेक्निक होगी, लेकिन इसके साथ साथ फिर ऑब्वियसली एम्ब्रॉयडरीज रही थे, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन के सिलाई एम्ब्रॉयडरी काट एवरीथिंग यू नो, सो दैट्स समथिंग दैट यू नो। और मेरे पास जो सच्ची सी बात है जो लोग एक्सपेक्ट करें, तो मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, कि लेट्स से दे लुक एट समथिंग जो ये मेरी स्किल, एंड वी पुट उनके लिए आउटफिट भी हम पुट टुगेदर करते हैं कि यू नो वी स्केच देम डिटेल्स दिस एंड दैट, सो आई लाइक टू यू नो डू माय ऑर्डर्स लाइक दैट।